नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है, लेकिन बीजेपी में जिस नेता ने सबसे ज्यादा दम लगाया हुआ है तो वो है अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भी बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। यूं तो बंगाल का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। पार्टी के तमाम नेता ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्र कैंपेनर अमित शाह ने जिस आक्रामक तरीके से बंगाल में चुनाव प्रचार किया है, उससे हर कोई हैरान है। अमित शाह अपनी आक्रामक शैली के लिए ही पहचाने जाते हैं, लेकिन बंगाल में जो ताकत अमित शाह ने झोंकी है, वो हर बार चुनावों में देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के दौरान सभी पार्टियां चौथे चरण के वोटरों को लुभाने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटी हुई हैं। अमित शाह ने बंगाल में अलग अलग जगहों पर 4 रोड शो किए। हावड़ा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने डोमजुर इलाके में एक रिक्शा चालक के यहां दोपहर का खाना खाया। अमित शाह के साथ इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजीव बनर्जी और अन्य नेताओं ने भी जमीन पर बैठकर रिक्शा चालक के यहां बना खाना खाया। अमित शाह इससे पहले भी कई मौकों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता के घर पर भोजन कर चुके हैं। शाह जब डोमजुर में रिक्शा चालक के घर पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। अमित शाह ने कहा, 3 चरण के चुनाव के बाद बीजेपी का आकलन है कि हम 63 से 68 सीट जीतकर टीएमसी, कांग्रेस और माकपा पर बढ़त बनाए हुए हैं। मैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता राजीव बनर्जी का प्रचार करने आया था। एक ही ग्राम पंचायत में दौरा हुआ जो अदम्य उत्साह राजीव को जीतने के लिए देखा है। राजीव जी प्रचंड बहुमत के साथ इस सीट पर कमल खिलाएंगे। बंगाल के अंदर 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनेगी। डोमजुर में रिक्शा चालक के यहाँ भोजन करने से पहले अमित शाह सिंगूर पहुँचे। शुरुआती चरणों में जैसा जोर बीजेपी ने नंदीग्राम में लगाया, अब वैसा ही दम सिंगूर में लगाने की तैयारी है। सिंगूर के आंदोलन से ममता बनर्जी का नाता है, ऐसे में बीजेपी यहाँ ममता को मात देना चाहती है। बीजेपी ने यहाँ 4 बार के टीएमसी विधायक रहे रविंद्रनाथ भट्टाचार्य को मौका दिया है। नंदीग्राम में ममता के लिए शुभेंदु कमान संभालते थे, तो वहीं सिंगूर में रविंद्रनाथ इसी भूमिका में रहते थे। अब दोनों ही बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है। अमित शाह के सिंगूर के रोड शो में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ की तालियों और नारेबाजी के बीच शाह फूलों से सजे एक वाहन पर खड़े होकर सिंगूर की सड़कों पर निकले। उनके साथ सिंगूर से भाजपा के उम्मीदवार रविंद्रनाथ भट्टाचार्य भी थे, जो हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। शाह ने सड़कों के किनारे और छतों पर खड़े लोगों का मुस्कुराकर अभिवादन किया। रोड शो के दौरान ही अमित शाह ने कहा कि राज्य में अगली सरकार भाजपा की बनने पर सिंगूर का विकास किया जाएगा, जिसे 2006 के आंदोलन के बाद से उद्योगों से वंचित रखा गया है। सिंगूर के बाद अमित शाह ने हावड़ा में बीजेपी प्रत्याशी राजीव बनर्जी के पक्ष में रोड शो किया। हावड़ा में भी शाह के रोड शो में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। अमित शाह आज बंगाल के चुनाव प्रचार में पूरे रंग में दिखे। अमित शाह आज बंगाल में 4 रोड शो किए। गृह मंत्री पहला रोड शो सिंगूर में किया, दूसरा रोड शो डोमजुर में, तीसरा दोपहर हावड़ा मध्य में और आखिरी रोड शो बेलापुरबा में किया। बता दें, पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए 8 चरण के मतदान होना है। इसमें से 3 चरण की वोटिंग हो चुकी है। वोटों की गिनती 2 मई को होगी। इस बार के चुनाव में बीजेपी कोई चूक करना नहीं चाहती। गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के बाद बीजेपी के दूसरे बड़े स्टार कैंपेनर हैं। इसी वजह से शाह ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।